हिमाचल में तीसरे विकल्प को लेकर माकपा विधायक राकेश सिंघा का बड़ा बयान सामने आया है। माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस ही एक विकल्प है। राकेश सिंघा ने कहा कि बीजेपी गलतफहमी में है। राकेश सिंघा ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। आम आदमी पार्टी को लेकर राकेश सिंघा ने कहा कि आम आदमी पार्टी काल्पनिक बातें कर रही है, आपकी ना कोई नीति है और ना ही कोई चेहरा। तो माकपा विधायक राकेश सिंघा का ये बड़ा बयान है जहां उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी काल्पनिक बातें कर रही है, उनके पास ना कोई नीति है और ना ही कोई चेहरा। ठाकुर तो कह रहे हैं कि इतिहास बदलेगा, उत्तराखंड में इतिहास बदल गया, यूपी में इतिहास बदल गया और यहां भी इतिहास बदलेगा, भाजपा इतिहास बदलेगी और भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, मैं फ्रैंक हूं इस बात को लेकर, फ्रैंक हूं और राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं इस बात को कह रहा हूं। पॉसिबल है, आपको लाइटली किसी को नहीं लेना है, आक्रोश लोगों में है, लेकिन उस आक्रोश को चैनलाइज करने के लिए जो मशीनरी होनी चाहिए, वैकल्पिक पार्टी तो आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस है, तीसरा चौथा नहीं आने वाला है। लेट अस बी वेरी क्लियर, इट इज तो ये जो बात आप कह रही है ये काल्पनिक बातें कह रही है, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ रियलिटी। फाइट मुख्यमंत्री भाई, वो भी उनको समझ लेना चाहिए। बीजेपी को दे लॉस्ट ऑल फोर सीट्स, जीतू हारू मैं आई एम गोइंग टू रिमेन सीपीएम, जीत के आऊंगा फिर सीपीएम रहूंगा, नहीं जीतूंगा फिर सीपीएम रहूंगा, मैं उधर नहीं जाने वाला। ये स्टेबल है, एक स्टेबल होश है, तो आप एक स्टेबल होश आज रखेंगे तो आने वाला कल क्लियर बता दूं मैं, ये जो संकट है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, छलांगे मारते। कल हिमाचल में आम आदमी पार्टी चुनावी शंखनाद